मालिक तो हमारा है, खालिक तो हमारा है, मालिक तो हमारा है, खालिक तो हमारा है, बंदों को तेरे या रब तेरा ही सहारा है। कश्ती भी है तूफान में, रहबर भी नहीं कोई, कश्ती भी है तूफान में, रहबर भी नहीं कोई, मंजिल से है ना वाकिफ ना कोई किनारा है, हर सिमत अंधेरा है, जाएं तो किधर जाएं, हर सिमत अंधेरा है, जाएं तो किधर जाएं, ठोकर जो लगी हमको तुझको ही पुकारा है। ये शम्सो कमर या रब झुकते हैं तेरे आगे, ये शम्सो कमर या रब झुकते हैं तेरे आगे, कुदरत से तेरी रोशन हर एक सितारा है। कलियों को भी रानाई तूने ही नवाजी है, कलियों को भी रानाई तूने ही नवाजी है, गुलशन का हसी मंजर, गुलशन का हसी मंजर तूने ही निखारा है। मुर्दा थी जमी सारी तूने ही जिलाई है, तूने ही तो बरसाई अमृत की ये धारा है। आसी है तेरे या रब तूने जो नहीं बख्शा, दुनिया में भी जिल्लत है उकबा में खसारा है। तेरे ही लिए जीना तेरे ही लिए मरना, तेरे ही लिए जीना तेरे ही लिए मरना, तू मुझसे जो राजी हो हर जख्म गवारा है। रहमत जो तेरी रूठी जाएगा किधर जाहिद, रहमत जो तेरी रूठी जाएगा किधर जाहिद, रहमत के ही साए में अपना तो गुजारा है। मालिक तू हमारा है, खालिक तू हमारा है। मोहतरम उलमाए किराम, बुजुर्गों और दोस्तों, नौजवान साथियों, पर्दा नशीन माओ और बहनों, प्यारे बच्चों, रात के 2 बजने के बाद मैं आपके सामने खिताब के लिए हाजिर हुआ हूँ और मैं जानता हूँ कि ये वक्त सुनने सुनाने के लिए बड़ा मुश्किल वक्त है। आप ईशा की नमाज के बाद से तकरीरें सुन रहे हैं, आँखों में नींद भरी है, बैठे बैठे आप थक भी चुके हैं, लेकिन ये आपके सीमांचल के जलसों का सिस्टम कह लीजिए, जलसे वालों की मजबूरी कह लीजिए कि मुझे अक्सर 1 बजे 2 बजे रात में आप हजरात को परेशान करना पड़ता है। बहुत सारी तकरीरें आपने सुनी, शेख इनामुल हक मदनी साहब का सदारती खिताब भी आपने समाअत फरमाया,
कई सियासी लीडरान भी मैंने देखा कि आए थे। कलकत्ता से सोहराब अली साहब का भी खिताब आपने समाप्त किया, उसके बाद अभी मुझसे पहले बंगला ज़ुबान के बड़े बेहतरीन खतीब और मुकर्रर शेख बदरुद्दोजा नदवी साहब हफ़िज़हुल्लाह का खिताब भी आपने समाप्त किया। मेरे भाइयों, दुआ कीजिए अल्लाह ताला मुझे भी हक बात को बयान करने की और आप सबको सुनने की और हम सबको उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। आज का हमारा जो टॉपिक है बड़ा अहम टॉपिक है। फरिश्ते आप जानते हैं अल्लाह ताला की एक मखलूक हैं और हमारे और फरिश्तों के बीच में एक बहुत बड़ा डिफरेंस और एक बहुत बड़ा फर्क यह है कि हमें अल्लाह ताला ने मिट्टी से पैदा किया है और जिन्नात को अल्लाह ताला ने आग से पैदा किया है और फरिश्तों को अल्लाह ताला ने नूर से पैदा किया है। एक डिफरेंस तो ये है हमारे और फरिश्तों के बीच में, हम खाकी हैं, हम मिट्टी से पैदा हुए हैं और फरिश्ते नूरी हैं, नूर से पैदा हुए हैं। और फरिश्तों के अंदर एक खास बात और भी है, फरिश्ते गुनाह नहीं करते, फरिश्ते मासूम होते हैं, फरिश्ते अल्लाह ताला की नाफरमानी न करते हैं न कर सकते हैं। आप कह सकते हैं कि अल्लाह ताला ने उनको ऐसा बनाया है, उनके सिस्टम में गुनाह ही नहीं है। ऐसा नहीं कि उनके अंदर सोचने समझने की सलाहियत नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला ने उनको ऐसा बनाया है वो गुनाह नहीं कर सकते। इसकी दलील क्या है? ये अहले हदीस का स्टेज है, जो बात हो दलील के साथ। एक साहब तकरीर कर रहे थे आपके इसी स्टेज पर आज के जलसे में, एक वाकया उन्होंने सुनाया हजरत अलकमा का, कि वो जो है मां नाराज हो गई तो मरने के टाइम जब तक मां को राजी नहीं कर लिया तब तक उनको उनकी मगफरत नहीं हुई। बिल्कुल गलत वाकया है, फर्जी वाकया है। भाई आपका स्टेज अहले हदीस का स्टेज है, इस स्टेज का एक वकार है, रिस्पेक्ट है, एक सम्मान है, बुझते पारे हमी उर्दू बोलबो, समझ रहे हैं ना? इस स्टेज का एक सम्मान है, एक वकार है मेरे भाई, वो वकार हमेशा कायम रहना चाहिए। अभी किसी प्रोग्राम में मैंने सुना कि एक ऐसे मुकर्रर को बुलाया जा रहा है जिन्होंने हमारे हिंदू मजहब के एक उनके देवता कह लीजिए या उनके भगवान कह लीजिए, श्री राम जी की तारीफ में उन्होंने एक बहुत बड़ा भजन पढ़ा है, सुना होगा आपने, इंटरनेट पर होगा। ये सीमांचल के मुसलमानों को और सीमांचल के अहले हदीसों को क्या हो गया है मेरे भाई? आप अपने स्टेज पर ऐसे लोगों को दावत दे रहे हैं? अभी कोलासी में मैं आज दोपहर में ठहरा हुआ था हमारे एक दोस्त के घर पे, वहां कुछ लोग आए अहले हदीस की मस्जिद में, उन्होंने डेरा डाला है कई दिन से। मालूम यह हुआ कि साहब वो घर बार छोड़ के, बाल बच्चों को छोड़ के आए हैं, तबलीग कर रहे हैं। अब वो तबलीग करने के लिए आए हमारे दोस्त के घर पे, कहा कि भाई आप नमाज पढ़ते कि नहीं? कहा मैं पढ़ता हूं। बोले तो नमाज सबको पढ़ना चाहिए। बोले हम लोग निकले हैं, 10 घरों को हम नसीहत करेंगे, 10 घर वालों को हम समझाएंगे। हमने कहा भाई ये 10-10 की रट क्यों लगाए हो? अगर 9 घरों को समझाओगे तो क्या गुनाह होगा? 11 को समझाओगे तो क्या गुनाह? ये 10 की गिनती क्या आसमान से उतरी है? बोले 10 घर को समझाना है। मैंने कहा मस्जिद में क्या कर रहे हैं आप? बोले फजाइल अमाल पढ़ रहे हैं। मैंने कहा आपको मालूम है फजाइल अमाल में बहुत सारी मौजू रिवायतें हैं, बहुत सारे मनगढ़ंत वाकयात हैं। क्या हम लोग इतने यतीम हो गए, अहले हदीस इतने यतीम हो गए, उनकी मस्जिदों में कुरान का दर्श नहीं होगा, हदीस का दर्श नहीं होगा, फजाइल अमाल का दर्श होगा? तो कहने लगा मैं भी अहले हदीस में मनसाई का रहने वाला। मैंने कहा तुम अहले हदीस कभी हो ही नहीं सकते। तो ये सीमांचल में हम इतने कमजोर हो चुके हैं ईमान और अकीदे और मनहज के एतबार से कि हमारे स्टेज पर जो भी आ जाए हम उसको फौरन अपने स्टेज की जीनत बना लेते हैं। मौजू रिवायतें भी बयान हो रही हैं, किस्से कहानियां भी बयान हो रहे हैं और ऐसे ऐसे मुकर्ररों को बुलाया जा रहा है जो यानी कुफरिया बातें कह चुके हैं और गैरुल्लाह की तारीफ में भजन तक गा चुके हैं, हम उनको मुकर्रर के तौर पर अपने जलसों में ला रहे हैं। कहीं कहीं सुना मैंने कि बड़ी 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 कीमतें देकर और बड़े बड़े पैसे देकर के बड़े बड़े शायरों को बुलाया जा, भाई मुशायरा करा लो ना, क्या जरूरत है जलसा कराने की?
एक साहब कहने लगे, मौली साहब आवाम की बड़ी डिमांड रहती है, हमारी नहीं चलती। मौली साहब थे, कहने लगे हमारी नहीं चलती है। मैंने कहा कल आवाम की डिमांड होगी कैटरीना कैफ को लाओ तो तुम कैटरीना कैफ को लाओ, परसों आवाम की डिमांड होगी शाहरुख खान को लाओ तो आप शाहरुख खान को लाएंगे। भाई आवाम की डिमांड तो हमेशा यही रहेगी, जो चल रहा है जो अच्छा लग रहा है उसको बुलाओ। मेरे भाई ये जलसा है, ये दीनी प्रोग्राम है, इसकी अजमत को बरकरार रखिए। स्टेज पर उलमा को दावत दीजिए, तकरीर करना, दीन की बातें बयान करना, दीन सिखाना, ये हर ऐरे गैरे नथू खैरे का काम नहीं है। जो इस स्टेज पे आके तकरीर करता है वह आपका टीचर है, और टीचर हर किसी को नहीं बनाया जाता। टीचर ऐसे इंसान को बनाया जाता है जो उस सब्जेक्ट का माहिर हो, और दीन के माहिर उलमा है। आप अपने स्टेज पर उलमा को दावत दें, ये मेरी आपसे बहुत बड़ी गुजारिश है। तो फरिश्तों के और हमारे बीच में दो डिफरेंस है, एक तो यह कि फरिश्ते गुनाह नहीं करते, और दूसरा डिफरेंस यह है कि फरिश्ते नूर से पैदा हुए। अब इसकी दलील क्या है कि फरिश्ते गुनाह नहीं करते? कुरान मजीद का 28वां पारा उठाइए, अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, या अय्युहल्लदीना आमनु कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। ए ईमान वालों, अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। जहन्नम की आग पेट्रोल से नहीं जलेगी, डीजल से नहीं जलेगी, कोयले से नहीं जलेगी। वकूदुहन नासु वल हिजारा, जहन्नम की आग के ईंधन तो इंसान और पत्थर होंगे। वो इंसानों से जलेगी, वो पत्थरों से जलेगी। अलैहा मलाइकतुन गिलाज़ुन शिदादुन ला यासून अल्लाह मा अमरहुम। और जहन्नम के जो दारोगा होंगे, जहन्नम के जो मैनेजर होंगे, जहन्नम के जो केयर टेकर होंगे, वो फरिश्ते होंगे, और वो बड़े सख्त होंगे, वो बड़े मजबूत होंगे। ला यासून अल्लाह मा अमरहुम, वो अल्लाह ताला के किसी हुक्म की नाफरमानी नहीं करेंगे। यही दलील है, यही दलील है कि फरिश्ते अल्लाह की नाफरमानी नहीं करते, फरिश्ते मासूम होते हैं। अब कुछ फरिश्ते ऐसे होते हैं जिनको रहमत का फरिश्ता कहा जाता है। तो आज की तकरीर में इंशाअल्लाह हम ऐसी कुछ चीजें आपके सामने बयान करेंगे कि अगर वो काम हमने किया तो हमारे लिए रहमत के फरिश्ते उतरेंगे। ये कोई मामूली बात है भाई? हम ऐसा काम करें कि फरिश्ता उतर करके हमको दुआ दे, फरिश्ता कोई मामूली चीज नहीं है, यह अल्लाह की बड़ी बेहतरीन मखलूक है। 1400 साल पहले मक्का के काफिर ये कहा करते थे, फरिश्ते तो अल्लाह की बेटियां हैं। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, वह कालु तखजर रहमानु वलदा। ये कहते हैं कि अल्लाह ताला ने फरिश्तों को अपना अपनी बेटी बनाया है, फरिश्ते अल्लाह ताला की बेटी है। सुबहानहू, ऐ जालिमो, इतना बड़ा बोहतान अल्लाह ताला के ऊपर न लगाओ, अल्लाह ताला इन बातों से पाक है। बल इबादुम मुकरमून, फरिश्ते तो अल्लाह ताला के बड़े बेहतरीन बंदे हैं, बड़े मुअज्जज बंदे हैं, बड़े सम्मानित बंदे हैं। ला यस्बिकूनहू बिल कौल, फरिश्ते कभी अल्लाह ताला के हुक्म के आगे अपनी बात नहीं रखते, अल्लाह ताला से पहले कोई बात नहीं बोलते। वहुम बिअम्रिही यअमलून, और फरिश्ते वही करते हैं जो अल्लाह ताला उनको हुक्म देता है। यालमु मा बैना अयदीहिम वमा खल्फहुम, और फरिश्तों के आगे और पीछे की सारी जानकारी अल्लाह ताला को है। वला यशफऊन इल्ला लिमन इर्तदा, और फरिश्ते कल कयामत के दिन शफात भी करेंगे, अल्लाह के बहुत सारे बंदों के हक में वो शफात करेंगे, उनको जन्नत में डलवाएंगे, मगर ये भी अल्लाह के हुक्म से करेंगे, सबके लिए वो नहीं करेंगे। वहुम मिन खशियतिही मुशफिकून, और फरिश्ते अल्लाह ताला से हमेशा डरते रहते हैं। अच्छा, आप लोगों ने कभी फरिश्ता देखा है क्या? किसी ने देखा हो तो जरा हाथ उठाए भाई। देखा है किसी ने? नहीं देखा है। याद रखो मेरे भाई, जन्नत जहन्नम फरिश्ते, इनका ताल्लुक गैब से है। गैब मतलब इनविजिबल थिंग्स हैं, ये हमें नजर नहीं आती, अदृश्य हैं, हम देख नहीं सकते। हमने जन्नत को देखा नहीं, हमने जहन्नम को देखा नहीं,
तो जिस चीज को हमने देखा नहीं उसका फोटो हम नहीं बना सकते, उसकी वीडियो हम नहीं बना सकते। इसलिए उलमा ने लिखा है कि जहन्नम की आग का भी कोई खाका बनाना, कोई पेंटिंग बनाना, कोई फोटो बनाना सही नहीं है। जहन्नम की आग नॉर्मल आग की तरह नहीं है। फरिश्तों का फोटो बनाना, और बाज लोग समझते हैं फरिश्तों को पर होता है तो पर भी बना देते हैं। हमारे बनारस में मुहर्रम के महीने में एक ताजिया निकलता है, ताजिया जानते कि नहीं आप लोग? तो ताजिया एक निकलता है, उसका नाम है बुराक। बुराक किस चीज को बोलते हैं भाई? बुराक उस सवारी का नाम है जिस सवारी के ऊपर बैठ करके अल्लाह के प्यारे नबी ने मेराज का सफर किया था। अब वो बुराक की जो सवारी थी, हदीस में सिर्फ इतना आया है कि बुराक की सवारी खच्चर से थोड़ी ऊंची थी, गधे से थोड़ी नीचे थी। अब इन कमबख्तों ने क्या किया, एक ताजिया बनाया, उसका नाम बुराक रखा। और आप YouTube पर, इंटरनेट पर, गूगल पर सर्च कर ले, बुराक का ताजिया बनारस का आपको मिल जाएगा। बाकायदा एक खूबसूरत लड़की की कसर लगा हुआ है और दोनों तरफ पर लगा हुआ है, इन्होंने बुराक का ताजिया बना दिया। ये मुसलमान कर रहा है। तो बुराक भी किसी ने देखी नहीं है, बुराक की भी इमेज इन्होंने बना ली। तो फरिश्तों को हमने देखा नहीं है, फरिश्ते हमें नजर नहीं आते, ये अलग बात है। अल्लाह ताला अपनी कुदरत से कभी किसी फरिश्ते को दिखा दे, बाद सहाबा ने हजरत जिब्रील को देखा था इंसानी शक्ल में, पॉसिबल है, मगर आम तौर से हम फरिश्तों को देखते नहीं है। मक्का के काफिरों ने एक मर्तबा अल्लाह के नबी से यह भी डिमांड की थी, وقال الذين لا يرجون لقاء الله لولا انزل علينا الملائكه او نرى ربنا। जो लोग अल्लाह ताला के ऊपर ईमान नहीं रखते थे, उन्होंने कहा कि अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम चाहते हैं कि फरिश्ते को अपनी आंखों से देख लें, हम चाहते फरिश्तों को अपनी आंखों से देख लें, या अल्लाह ताला को अपनी आंखों से देख लें। अल्लाह ने फरमाया, लकद इस्तकबरू फी अनफुसिहिम वअतौ उतुवन कबीरा। ये मक्का के काफिर ये बहुत बड़े मुतकब्बिर हैं, घमंडी हैं, अहंकारी हैं, ये गुरूर कर रहे हैं, ये अल्लाह के नबी से कैसी कैसी डिमांड कर रहे हैं। और उसके बाद अल्लाह ने फरमाया, यौम यरौनल मलाइकत ला बुशरा यौमैज़िल लिल मुजरिमीन। ऐ मक्का के काफिरों, तुम ये कहते हो हम फरिश्तों को देखना चाहते हैं, हाँ तुम देखोगे जिस दिन तुम्हारे मरने का टाइम आएगा, अपनी मौत के टाइम तुम मौत के फरिश्तों को देखोगे, मगर उस दिन तुम्हारे लिए कोई अच्छी खबर न होगी। वयकूलून हिजरम महजूरा। जब फरिश्तों को ये देखेंगे तो ये कहेंगे दूर हो जाओ, दूर हो जाओ, चले जाओ। फरिश्तों को देख करके इनको अच्छा नहीं लगेगा। तो फरिश्ते भी दो तरह के होते हैं, एक अजाब के फरिश्ते, एक रहमत के फरिश्ते। तो आज की तकरीर में इंशाअल्लाह मैं 15 ऐसी चीजें बयान करूंगा, जो काम अगर हम कर लेंगे तो फरिश्ते हमारे लिए दुआ करेंगे, फरिश्ते उतरेंगे और फरिश्ते स्पेशल हमारे लिए दुआ करेंगे। तो आप लोग करेंगे कि नहीं करेंगे ये अमल इंशाअल्लाह? बोलो भाई, सिर्फ सुनना नहीं, अमल भी करना है। मैं बहुत इजी चीजें, आसान चीजें बताऊंगा, कोई मुश्किल काम नहीं करना है, बहुत ही सिंपल काम बताऊंगा, मगर काम इतना बड़ा है कि अगर आप कर लेंगे तो फरिश्ता आ करके आपको दुआ देगा। तो फरिश्तों की दुआ चाहिए कि नहीं चाहिए? बोलो भाई, इंशाअल्लाह हम लोग वो अमल करेंगे, अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफीक दे। सबसे पहला काम, फरिश्तों की दुआ चाहिए, पहला काम, रात में बावजू होकर के सोया। सिंपल है, रात में सोने के टाइम क्या करना है, पाक होकर के सोना है, वजू करके सोना है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, तहिरु हाज़िहिल अजसाद तहरकुम अल्लाह। ए मुसलमानों, अपने शरीर को पाक रखा करो, अल्लाह ताला भी तुमको पाक करेगा। मामिन मुस्लिमिन मामिन अब्दिन यभी तो ताहिरन। जब भी कोई बंदा रात में वजू करके सोता है, पाकी की हालत में सोता है, इल्ला बात मलकुन फी शारिही, तो फरिश्ता भी उसके बगल में सोता है। और बंदा जब रात में उठता है, जब करवट बदलता है, जब बंदे की नींद खुलती है, फरिश्ता कहता, अल्लाहुम्मा ग़फिर ले हाज़ल अब्दी, ऐ अल्लाह तू अपने इस बंदे की बख्शिश फरमा दे, फइन्नहु बाता ताहिरन, ये बंदा वजू करके सोया है। इसको अपनी जिंदगी की आदत बना लो। मेरी माओ बहनों, तुमसे भी कहता हूं, रात में
भाई पेशाब करने के लिए जाते हो ना सोने के पहले, एक बार आखिरी बार पेशाब करते हो, पेशाब करने के बाद वजू कर लो, वजू करके बिस्तर पे आओ। और एक काम और कर लो, जब बिस्तर पे वजू करके आओ तो एक काम और कर लो। चलो वो हदीस भी आपको सुना देता हूं। अभी जो हदीस पढ़ी ये अतरगीब व तरहीब की सही रवायत है। अब जो हदीस पढ़ने जा रहा हूं ये बुखारी और मुस्लिम की हदीस है, और हदीस के रावी कौन है? बरा इब्ने आजिब। क्या नाम है बोलो भाई? बरा इब्ने आजिब। आपके इलाके में लोगों के नाम बड़े अजीब मुझे नजर आते हैं, क्या नाम है भाई? अंजारुल, अफराजुल, रियाजुल, ये नाम रखते हैं भाई। सहाबा के नाम पर अपने बच्चों के नाम रखो, पूरे मोहल्ले में आपको बरा नाम नहीं मिलेगा, पूरे मोहल्ले में आजिब नाम नहीं मिलेगा। बरा इब्ने आजिब सहाबी का नाम है। बरा इब्ने आजिब कहते हैं अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐ बरा इब्ने आजिब, जब तुम रात में बिस्तर पे सोने जाया करो तो तुम वजू कर लिया करो, और वजू करने के बाद दाहिनी करवट लेट जाओ, और दाहिनी करवट लेटने के बाद एक दुआ मैं सिखा रहा हूं। ऐ बरा इब्ने आजिब, एक दुआ मैं सिखा रहा हूं, इस दुआ को पढ़ लिया करो, और इस दुआ को पढ़ने के बाद फिर कोई बातचीत नहीं करना है। इस दुआ को पढ़ के सो जाओ, फिर बात नहीं करना है। अब बात नहीं करना है तो किसी से बात नहीं करना है, वो मोबाइल पे रात में जो लगे रहते हैं उनसे भी कह रहा हूं किसी से बात नहीं करना है। आखिरी काम ये करके सोना है, ये दुआ पढ़ के सोना है। क्या दुआ है? बड़ी प्यारी दुआ है, इसको याद कर लो मेरे भाई। अल्लाहुम्मा अस्लमतु नफ्सी इलैक व फव्वस्तु अम्री इलैक व अलजातु ज़हरी इलैक रग़बतन व रहबतन इलैक ला मलजा व ला मंजा मिनक इल्ला इलैक आमन्तु बिकिताबिकल लज़ी अनज़लता व बिनबिय्यिकल लज़ी अरसलता। अभी सुनने में थोड़ी आपको मुश्किल लग रही होगी, दो चार बार आप याद करेंगे याद हो जाएगी, बड़ी बेहतरीन दुआ है। दुआ का मतलब भी समझा देता हूं। आए अल्लाह, अच्छा देखो बंदा जब सोता है ना तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि बंदा जब सोता है तो समझो मर जाता है। जितनी देर इंसान सोया रहता है उतनी देर उसकी रूह अल्लाह अपने कब्जे में ले लेता है। इसीलिए जब हम सो करके उठते हैं तो दुआ पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बादमा अमातना वइलैहिन नुशूर। ऐ अल्लाह तेरा शुक्र है तूने हमको हमेशा के लिए नहीं सुलाया, हम सो करके दोबारा उठ गए, जिंदा हो गए, तो जैसे आज तूने हमें जिंदा किया है ऐ अल्लाह कल कयामत के दिन भी तू हमारी कब्रों से हमें उठाएगा, हमें जिंदा करेगा। मेरे प्यारे साथियों, आप बिस्तर पे सोने जा रहे हैं, इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि इसके बाद आप उठ पाएंगे या नहीं उठ पाएंगे। हाय हाय, फलस्तीन के हालात आप देखो, आंखों से आंसू आ जाते हैं। हॉस्पिटल के ऊपर बमबारी की गई, बेचारे हॉस्पिटलों में जान बचाने गए थे, 500 से ज्यादा लोग उस हॉस्पिटल के अंदर एडमिट थे, बमबारी की गई, और फलस्तीन के शहर गाजा में उस हॉस्पिटल के 500 मुसलमान मरीज मर गए, अल्लाह को प्यारे हो गए, और उनका वीडियो मेरे भाई आप देख ले तो आप तड़प उठेंगे। छोटे छोटे बच्चों की लाशें, उनकी कटी बड़ी लाशें देख करके आपका दिल तड़प उठेगा। हाय आज मुसलमान कितना बेहिस हो चुका है, हम अपने घरों में आराम से अपनी बीवी बच्चों के साथ मजे ले रहे हैं, और वहां हमारे ही कलमा गो भाई, हमारे ही मुसलमान भाई, आज उनके बच्चे और उनकी औरतें, उनके बूढ़े सब उनको जो है हॉस्पिटलों तक में उनको मार दिया जाता है। किसी दौर में फिरौन था, बहुत बड़ा जालिम था, बच्चों को कत्ल करवा देता था लेकिन बड़ों को छोड़ देता था, लेकिन इस वक्त का जो फिरौन है वो बच्चों को भी नहीं छोड़ रहा है, वो औरतों को भी नहीं छोड़ रहा है, और दुनिया वाले सिर्फ मजम्मत कर रहे हैं, कंडेम कर रहे हैं, निंदा कर रहे हैं, करारदादे पास कर रहे हैं। दुनिया में इतने मुस्लिम मुल्क हैं, किसी की इतनी हिम्मत नहीं है कि जा करके इस खून खराबे को रोक दे और फलस्तीनियों के बहरे इस खून को रोक दे। मेरे भाइयों, हम तो बस अल्लाह से दुआ ही कर सकते कि अल्लाह हमारे उन भाइयों की मदद फरमाए। मेरे भाइयों, हम और आप बिस्तर पे सोने जाते हैं तो इस उम्मीद में जाते हैं कि सुबह सो करके उठेंगे, मगर फलस्तीन का हमारा मुसलमान भाई जब सोता है तो इस बात की कोई गारंटी नहीं होती कि रात में न जाने कौन सा हमला होगा और कौन सा रॉकेट आएगा और कौन सा मिसाइल आएगा और उनके पूरे घर को तबाह कर देगा और उनकी लाश भी जाएगी। मेरे भाइयों, उनके घरों के मलबे के आगे बैठकर एक 8 साल के बच्चे ने
मैंने आयतल कुर्सी पढ़ी है, वो वीडियो भी देख करके हमें हैरत होती है कि उस कौम के बच्चे आज भी अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने अपने घर को खोया है, अपने माँ बाप को खोया है, अपनी जानें गंवाई हैं, मगर अपना ईमान नहीं खोया है। हमें अल्लाह की जात से पूरा यकीन है, उन मासूम बच्चों की जानें बेकार नहीं जाएंगी, उन शहीदों का खून बेकार नहीं जाएगा, और एक दिन अर्ज़ फलस्तीन उन जालिमों के पंजे से नजात पाएगी और मस्जिद अक्सा उन जालिमों के पंजे से आज़ाद होगा इंशाअल्लाह। मेरे भाइयों, हम बिस्तर पे सोने जा रहे हैं, ये दुआ पढ़ रहे हैं कि ऐ अल्लाह मैं अपने आप को तेरे हवाले कर रहा हूं, ऐ अल्लाह मैं अपने आप को तेरे हवाले कर रहा हूं, वफवस्तु अम्री इलैक, ऐ अल्लाह मैं अपना सब कुछ तेरे सुपुर्द करके सोने जा रहा हूं, वो अलजातु ज़हरी इलैक, ऐ अल्लाह मैं तेरी तरफ पीठ लगा करके सोने जा रहा हूँ, रग़बतन व रहबतन इलैक, ऐ अल्लाह मैं तुझी से उम्मीद रखता हूँ, तुझी से डरता हूँ, ला मलजा व ला मंजा मिनका इल्ला इलैक, ऐ अल्लाह जिसको तू पना न दे उसको कोई पना देने वाला नहीं, जिसको तू नजात न दे उसको कोई नजात देने वाला नहीं, आमंतु बिकिताबिकल लज़ी अंज़लता, ऐ अल्लाह मैं तेरी किताब के ऊपर ईमान रखता हूँ, जो किताब तूने उतारी है, वह बे नबिकल लज़ी अरसलता, और मैं तेरे नबी के ऊपर ईमान रखता हूँ जिस नबी को तूने दुनिया में भेजा है। ये दुआ सिखाई आपने और कहा कि ऐ बरा रात में बिस्तर पे सोने जाओ, वजू करके आओ, दाहिनी करवट लेट जाओ, ये दुआ पढ़ो और इसको अपनी आखिरी बात बना लो, इसके बाद बातचीत मत करो। فَإِن مُتَّ مُتَّ عَلَى الْفِطْرَةِ, अगर उसी हालत में तुम्हारी मौत आ गई तो तुम जन्नत में चले जाओगे, क्योंकि तुम्हारा खात्मा तौहीद के ऊपर होगा, तुम्हारा खात्मा ईमान पर होगा, तुम्हारा खात्मा फितरत पर होगा। तो ये पहला काम हमें करना है, करेंगे इंशाअल्लाह। रात में बिस्तर पे जब भी सोने जाएं तो बस सिंपल है कि वजू करके जाएं और ये दुआ अगर याद कर सकते हो दो चार बार याद कर लें। अच्छा, जब हजरत बरा इब्ने आज़िब को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दुआ सिखाई तो वो रिपीट करने लगे, वो दोहराने लगे। कभी इस पर भी गौर कीजिए, सहाबा के दौर में मोबाइल नहीं था, टेप रिकॉर्डर नहीं था, सहाबा ने अल्लाह के नबी से सुना और सुन करके याद किया और याद करके फिर उम्मत को बताया, ये कोई मामूली काम नहीं था। ज्यादातर सहाबा पढ़े लिखे नहीं थे, लिखना नहीं जानते थे, उन्होंने अल्लाह के नबी से जो कुछ सुना उसको याद किया और याद करके हमें और आपको सिखाया है। मेरे प्यारे साथियों, आज तो हमारे पास मोबाइल है, रिकॉर्डर है, सब कुछ कैमरा है, हम रिकॉर्ड कर सकते हैं, मगर आप देखिए सहाबा अल्लाह के प्यारे नबी की बातों को सुनते थे और फौरन याद करते थे। हजरत बरा इब्ने आज़िब कहते हैं जब अल्लाह के प्यारे नबी ने यह दुआ सिखाई तो मैं इस दुआ को दोहराने लगा, मैं रिपीट करने लगा, और जब मैं दोहराने लगा तो पूरी दुआ मैंने सही पढ़ी, एक जगह छोटी सी मिस्टेक कर दी। क्या मिस्टेक की मैंने? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दुआ सिखाई थी उसमें अल्फाज क्या थे? वबे नबीकल लज़ी अरसलता, नबी की जगह रसूल का लफ्ज मेरे मुंह से निकल गया और मैंने कहा वबे रसूलिकल लज़ी अरसलता, इतना सुनना था। अल्लाह के प्यारे नबी ने कहा ऐ बरा खबरदार, जो अल्फाज मैंने सिखाए हैं वही अल्फाज तुम्हें पढ़ना है। पता ये चला कि हमें दुआ में भी अपनी मर्जी से इजाफा नहीं करना है, हमें दुआ भी वही पढ़ना है जो प्यारे नबी ने सिखाई है। अजान के बाद की दुआ जो हम पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा रब्बहा ज़हिद दावती तामा व सलातिल क़ाइमा आते मुहम्मदन अल वसीलत वल फ़ज़ीला व बअस्हु मक़ामन महमूदन अल्लज़ी वअता, इस दुआ में भी कुछ लोग मिलावट करते हैं और इसमें एक लफ्ज़ बढ़ा देते हैं वह दरजत रफ़िया, और दुआ के लास्ट में क्या बढ़ा देते हैं? इन्नका ला तुखलिफुल मीआद, इस दुआ के अंदर ये इजाफा सही नहीं है। मेरे भाइयों, दीन नबी की बातों का नाम है, दीन नबी की पैरवी का नाम है। हम जब दुआ में अपने मन से इजाफा नहीं कर सकते तो शरीयत में अपने मन से इजाफा कैसे कर सकते हैं? दीन की तबलीग करना बहुत अच्छा काम है, मगर 3 दिन के लिए, 7 दिन के लिए, 40 दिन के लिए लोग अपना घर छोड़ दें, और जो घर छोड़े वो आलिम भी नहीं है, उसके पास खुद इल्म नहीं है, उसको खुद इल्म की जरूरत है, वो जाके लोगों को तबलीग कर रहा है, तबलीग का ये तरीका सही नहीं है। और आपके सीमांचल में अगर कुछ लोग इस तरीके से आपकी मस्जिदों में आके तबलीग कर रहे हैं तो कम से कम आप अपनी जमात के जिम्मेदारों को बताइए और ऐसी एक्टिविटी को आप अपने इलाकों में होने मत दीजिए। मेरे भाइयों,
हम तबलीग के खिलाफ नहीं हैं, मगर तबलीग सबसे पहले अकीदे की होनी चाहिए, तबलीग सबसे पहले तौहीद की होनी चाहिए, और तबलीग और दावत का काम उलमा करें, जाहिलों के हाथ में इसकी कमांड नहीं होनी चाहिए। तो ये पहली चीज़ है कि अगर इस पर हम अमल करेंगे तो फरिश्ते उतरेंगे। अल्लाह के नबी ने फरमाया, रात में बिस्तर पर अगर सोने के पहले वजू करके सोया जाए तो इंशाअल्लाह इससे फरिश्ते उतरेंगे और आपके लिए दुआ करेंगे। 15 चीज़ों में से पहली चीज़ होगी। दूसरी चीज़, जहां पर लोग बैठ करके अल्लाह ताला का जिक्र कर रहे हैं, मिसाल के तौर पर यह जलसा हो रहा है, यह तकरीर हो रही है, और ऐशा की नमाज के बाद से लेकर के अभी तक यहां पे अल्लाह ताला की बातें हो रही हैं, अल्लाह का जिक्र हो रहा है, ऐसे मजलिसों में, ऐसे जलसों में, ऐसे पंडालों में अल्लाह के फरिश्ते तलाश करते रहते हैं। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, सही मुस्लिम की रिवायत है, इन्ना लिल्लाहि मलाइकतन सय्याहीन यल्तमिसून अहलज़्ज़िक्री। अल्लाह ताला के कुछ फरिश्ते ऐसे हैं जो तलाश करते रहते हैं कहां पर लोग अल्लाह ताला का जिक्र कर रहे हैं, कहां पर अल्लाह ताला की बातें हो रही हैं। जब उनको ऐसी कोई मजलिस नजर आती है, ऐसी कोई जगह नजर आती है, फरिश्ते आपस में कहते हैं, हलुम्मु इला हाजतिकुम, देखो यहां पर हमारे मतलब का काम हो रहा है, यहां पे कुरान बयान हो रहा है, यहां पे हदीस बयान हो रही है, यहां पे अल्लाह और उसके रसूल की बातें हो रही हैं। फिर फरिश्ते उस मजलिस को अपने परों से घेर लेते हैं, उस मजलिस में फरिश्ते उस मजलिस को घेर लेते हैं। उसके बाद जब ये फरिश्ते अल्लाह ताला के पास जाते हैं, अल्लाह ताला पूछता है, ऐ मेरे फरिश्तों, तुमने मेरे बंदों को किस हाल में पाया, मेरे बंदे क्या कर रहे थे? फरिश्ते जवाब देते हैं, अल्लाह युमज्जिदूनका व यहमदूनका व युकब्बिरूनका, हे अल्लाह तेरे बंदे तेरी बड़ाई बयान कर रहे थे, तेरी बुजुर्गी बयान कर रहे थे, तेरी तकबीर बयान कर रहे थे, हे अल्लाह तेरे बंदे तेरा नाम ले रहे थे। फिर अल्लाह पूछता है, फरिश्तों क्या मेरे बंदों ने मुझे देखा है? फरिश्ते कहते, नहीं है अल्लाह, तुझे देखा तो नहीं है। कहा है फरिश्तों, अगर मेरे बंदों ने मुझे देखा होता तब क्या करते? कहा है अल्लाह, तेरा और नाम लेते, तेरा और जिक्र करते, तेरी और बड़ाई बयान करते। फिर अल्लाह पूछता है, अच्छा मेरे बंदे कुछ मांग रहे थे? कहा है अल्लाह, जन्नत मांग रहे थे। अल्लाह पूछता है, मेरे फरिश्तों क्या मेरे बंदों ने जन्नत देखी है? फरिश्ते कहते, नहीं अल्लाह, जन्नत देखी तो नहीं है। कहा, अगर जन्नत देख लेते तो क्या करते? कहा, अगर जन्नत देख लेते तो ऐ अल्लाह और ज्यादा जन्नत का सवाल करते, और ज्यादा जन्नत की में जाने की कोशिश करते। फिर अल्लाह पूछता है कि ऐ फरिश्तों, क्या मेरे बंदे किसी चीज से मेरी पनाह भी मांग रहे थे? फरिश्ते कहते, हाँ अल्लाह, वो तेरी पनाह मांग रहे थे। का किस चीज से पनाह मांग रहे थे? का जहन्नम से पनाह मांग रहे थे। अल्लाह पूछता है, क्या मेरे बंदों ने जहन्नम देखी है? फरिश्ते कहते, नहीं अल्लाह, जहन्नम देखी तो नहीं है। कहा, अगर जहन्नम देख लेंगे तो क्या होगा? कहा अल्लाह, जहन्नम से और ज्यादा भागेंगे, और ज्यादा दूर हो जाएंगे, और ज्यादा बचने की कोशिश करेंगे। अल्लाह फरमाता है, मेरे फरिश्तों गवारो, जब मेरे बंदे मेरा नाम ले रहे हैं, मेरा जिक्र कर रहे हैं, मुझसे जन्नत का सवाल कर रहे हैं, जहन्नम से पनाह मांग रहे हैं, ऐ फरिश्तों, मैं तुमको गवाह बना के कहता हूं, मैंने अपने उन बंदों को माफ कर दिया, मैंने उनको बख्श दिया, उनको जन्नत का हकदार बना दिया। फरिश्ते कहते, अल्लाह, उनमें एक आदमी ऐसा भी था जो तेरा जिक्र करने के लिए नहीं बैठा था, जो कुरान और हदीस की बातों को सुनने के लिए नहीं बैठा था, वो तो गुजर रहा था, वो तो वहां से जा रहा था, देखा यहां कुरान और हदीस की बातें हो रही हैं, अल्लाह का जिक्र हो रहा है, वो भी बैठ गया। अय अल्लाह ताला, क्या उसकी भी बख्शिश हो जाएगी? क्या उसको भी तू माफ कर देगा? अल्लाह ताला फरमाता है, हो मुल जुलसा उला यश्का बिहिम जलीसुम, ऐ मेरे फरिश्तों, ये वो मजलिस है जहां पर जो बैठ गया वो बैठ गया, यहां पे कोई बदनसीब नहीं है, यहां पे मैं सबकी मगफरत कर दूंगा, जो पहले से बैठा था उसको भी माफ कर दूंगा, जो किसी और काम से आया था और बैठ करके सुनने लगा, मैं उसको भी बख्श दूंगा। अल्लाह हू अकबर। तो ये दूसरा काम करो। आजकल बड़ी तकरीरें हो रही हैं आपके इलाके में, अभी कल जो है सोनबरसा में मेरी प्रोग्राम है, वहाँ भी मेरा खिताब है, फिर 22 तारीख को चरखी में प्रोग्राम है,
वहाँ पर भी मुझे खिताब करना है। 23 तारीख को हत्ता हत्ती दियारा, क्या नाम है, वहाँ पर भी प्रोग्राम है, हैं, हतिया दियारा वहाँ पर भी है। तो करीब करीब में 8-10 किलोमीटर की रेंज में बहुत सारे प्रोग्राम हो रहे हैं। अब हमारे बहुत सारे भाई कहते हैं, अरे यार हाँ कल 28 को हाजीपुर में है, और इसी तरीके से कई एक प्रोग्राम है आपके इलाके में। अब बहुत सारे लोग कहते हैं, अरे मौली साहब कितनी तकरीर सुनेगा आदमी। भाई क्या पता, जिन्नात गुजर रहे थे, अल्लाह के नबी कुरान पढ़ रहे थे, जिन्नात ने सुना और ईमान ले आए। कभी कभी कोई एक तकरीर, कोई एक बात हमारे दिल की दुनिया बदल सकती है मेरे भाई। इसलिए तकरीरों में जाओ, और ये चंदे के प्रोग्राम होते हैं। अल्लाह ने आपको माल दिया है, कब्रिस्तान का आज के जलसे में कब्रिस्तान के लिए चंदा हो रहा है, कहीं और मदरसे के लिए होता, आप जाएंगे, जो भी अल्लाह ताला ने हैसियत दी है, 1,000, 5,000, 10,000, 1,00,000, जो भी आप दे सकते हैं देंगे, वो अलग आपको सवाब मिलेगा। इसलिए मेरे भाइयों, दीनी मजलिसों में जाने से भी अल्लाह ताला के फरिश्तों की रहमत हमें मिलती है। तो ये दो चीज़ें हो गई। नंबर 3, कुरान करीम की तिलावत करने से भी फरिश्ते उतरते हैं। दलील क्या है? दलील बुखारी और मुस्लिम की हदीस है। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी हैं, नाम उनका क्या था, उसैद इब्ने हुज़ैर। उसैद बड़ा प्यारा नाम है। उसैद का मतलब समझते हो, शेर का बच्चा, शेर का बच्चा, बच्चा पैदा हो ये नाम रखो, प्यारा नाम है उसैद। उसैद इब्ने हुज़ैर कुरान पढ़ रहे थे सूरह बकरा, और उनका मासूम बच्चा यहया वहीं पर बैठा हुआ था, और एक घोड़ा खूंटे से बंधा हुआ था। हजरत उसैद इब्ने हुज़ैर रज़ी अल्लाहु तआला अन्हु सूरह बकरा की तिलावत करने लगे, घोड़ा बिदकने लगा, घोड़ा भागने लगा, ये चुप हो जाते, घोड़ा चुप हो जाता, घोड़ा रुक जाता, ये कुरान पढ़ने लगते, घोड़ा फिर से बेचैन होने लगता। हजरत उसैद कहते, मैं डर गया कहीं घोड़ा मेरे बच्चे को कुचल न दे, मेरा बच्चा वहीं पर था। मैंने जल्दी से बच्चे को उठाया, और फिर मैंने घोड़े के ऊपर आसमान में देखा, मैंने देखा कि एक बहुत बड़ी बदली नजर आ रही है, एक बहुत बड़ी आसमान में बदली नजर आ रही है, जिसमें रोशनियां चमक रही हैं। मुझे बात समझ में नहीं आई, जब सुबह हुई मैंने अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह वाकया सुनाया। आपने फरमाया, इकरा यबना हुज़ैर, इकरा यबना हुज़ैर, इब्ने हुज़ैर जब तू कुरान पढ़ रहा था तो तुझको और पढ़ना चाहिए था, तुझको और पढ़ना चाहिए था। मैंने कहा, ये अल्लाह के नबी, मैं डर गया, मेरा मासूम बच्चा वहीं पर बैठा था, मैं डर गया कि घोड़ा बेचैन हो रहा है, घोड़ा बिदक रहा है, कहीं घोड़ा मेरे बच्चे को रौंद न दे। और मैंने आसमान में देखा तो बदली थी, आसमान में एक साहिबान था और उसमें रोशनियां चमक रही थी। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि ऐ उसैद इब्न हुज़ैर, वो आसमान की बदलियां क्या थी, क्या तुम जानते हो? का नहीं है अल्लाह के नबी, मैं नहीं जानता। आपने फरमाया, वो अल्लाह के फरिश्ते थे, जब तुम कुरान पढ़ रहे थे अल्लाह के फरिश्ते तुम्हारी कुरान की तिलावत को सुन रहे थे, और अगर तुम पढ़ते रहते तो फरिश्ते सुनते रहते, और सुबह हो जाती तो फरिश्तों को आम लोग भी देख लेते, अगर तुम पढ़ते रहते तो फरिश्ते वहां पर बैठ करके तुम्हारी तिलावत की आवाज सुनते रहते। पता ये चला कि जब हम कुरान पढ़ते हैं तो कुरान पढ़ने से भी फरिश्ते उतरते हैं, और फरिश्ते हमारी कुरान की तिलावत को सुनते हैं। इसलिए मेरे भाइयों, आज तो हालत क्या है।